आईपीएस आईएएस बनेंगी, किसी और के साथ भग जाएंगी, किसे दुबे चुबे और दीक्षित के साथ, ये इसके या खुजली है जिस पत्नी के लिए सब कुछ किया, पत्नी धोखा दे रही, वो बेवफा निकली कि अपनी बहन बेटियों को बहुओं को खूब पढ़ा, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आपका। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योति मौर्य के मसले पर, क्योंकि ज्योति मौर्य और एक तरफ सीमा हैदर, दोनों की कहानी में ट्विस्ट आ गया है। लेकिन आज स्पेसिफिक बात होगी ज्योति मौर्य की, क्योंकि जो उसका प्रेमी है कथित तौर पर मनीष दुबे, उसके खिलाफ गुलाबी गैंग ने भी बिगुल फूंक दिया है, हल्ला बोल दिया है। हमारे साथ हैं क्रांतिकारी फौजी नरेंद्र भाई नंदा, आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। नरेंद्र भाई, जो ज्योति के साथ हुआ, जो आलोक मौर्य के साथ हुआ, जो ज्योति मौर्य कर रही है, जो मनीष दुबे कर रहा है, और जो गुलाबी गैंग उतर आई है, कैसे देख रहे हैं घटना? देखिए, जब गुलाबी गैंग हो या कोई भी हो, जब महिलाओं की अस्मिता और इज्जत की बात आएगी, जब महिलाओं पर शक के घेरे में आ जाएंगी किसी महिला की वजह से या किसी अधिकारी की वजह से, तो महिलाओं कहीं ना कहीं शस्त्र उठाने पड़ेंगे। और जैसा गुलाबी गैंग ने कहा कि ये मनीष दुबे इसका दोषी है, इस महिला को बिगाड़ने में, इसके परिवार को बिगाड़ने में अहम योगदान मनीष दुबे का है, मनीष दुबे ने टारगेट किया इस महिला को, इसका परिवार उजाड़ने की कोशिश की है, इसलिए वहां के लोगों ने महुआ में जाए अधिकारी बन के गया है, वहां पर ये भाग गया छोड़ के ताला लगा के अधिकारी, उन्हें पता है, तो गुलाबी गैंग वालों ने कहा था जूतों से मारेंगे, सारी महिलाओं ने कहा कि अगर ये मनीष दुबे मिला तो इसको जूतों से मारेंगे, इसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तो इसे भागना पड़ा, समझे, जहां पर ये अधिकारी है उसको ऑफिस को ताला लगा के गायब है। नहीं, ज्योति मौर्य दोषी है या मनीष दुबे है, कौन असली गुनहगार? मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश के अंदर आप देख रहे हो एंगल चल रहा है, धर्म मजहब जिहाद जात पात, इसको लेके बहुत ज्यादा टारगेट हो रहा है पूरे देश के अंदर, आप जैसा माहौल चल रहा है, ठीक है, इसी स्थिति में देखिए, अब क्या पहले पिछले दिनों कितना चला के भाई ये लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद किसने चलाया? यही पाखंडियों की सरकार ने चलाया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद चलाया है, और पता नहीं क्या क्या चलाया पूरे देश में चलाया, तो लव जिहाद वहां तो लव जिहाद दिखाई देता है इनको, हिंदू मुसलमान का लव जिहाद, कि मुस्लिम लव जिहाद मचा रखा है, मगर ये जिहाद नहीं दिखाई दे रहा है इनको कि जो दलितों पिछड़ों की जो बेटियां और जो महिलाएं या बहुएं हैं आगे जाके पढ़ लिख कर एसडीएम या कुछ बन जाती है, उनको टारगेट करता है, कौन करता है, परिवार तोड़ो जिहाद नहीं दिखाई देता, जो मनीष दुबे ने परिवार तोड़ो जिहाद मचा रखा है। ये प्यार मोहब्बत है, आप कहां जिहाद में चले गए? जिहादी लोग हैं भाई, जब मुसलमानों से लव जिहाद वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं तो ये देखो ना कौन जिहादी है। अब भी तो उन्हीं ट्रैक पर चले गए। मैं ट्रैक पे नहीं बता रहा हूँ कि इसके खिलाफ क्या मुकदमा होगा, जो बसते हुए घर को, बसे बसाए घर को, जिसकी फैमिली हो, बच्चे हो, उस घर परिवार को गुमराह करके उजाड़ने की कोशिश की गई हो, और तो और जो आपस में बैठ के उसके पति के खिलाफ एक मारने का षड्यंत्र रचता हो, जो अधिकारी जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसकी ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तो एक बात बताइए, सरकार को तुरंत अपने संज्ञान में लेके इस मनीष दुबे को तुरंत सस्पेंड करे, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करे, बर्खास्त करे इसकी नौकरी से, समझे नहीं? इसने क्या करा, डिपार्टमेंट की भी नाक धूमिल कर दी है, डिपार्टमेंट को भी बदनाम कर दिया ऐसे लोगों ने। और रही बात, आप सिर्फ मनीष दुबे को बोलेंगे या ज्योति मौर्य का भी कसूर है? ज्योति मौर्य की आ जाओ यार, ज्योति मौर्य का एक बात बताइए, जो शिक्षित हो गई पढ़ी लिखी है, जो ये नहीं जानती कि मैं अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ, अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ, अपने पति के साथ न्याय नहीं कर रही हूँ, जो कि उसके परिवार ने अपना सब कुछ बेच बाज के इसको पढ़ाने का काम किया और यहां तक पहुंचाया, उसके बाद इसको इश्क हो गया, ये इश्क है या खुजली है, मेरी तो समझ नहीं आती है, कोई नपुंसक थोड़ी था आलोक मौर्य भाई, दो बच्चियां पैदा कर दी उसने, क्या कमी थी उसमें, आपसे इश्क करता था, प्यार करता था, प्यार नहीं करता था, ऐसे फिल्म पढ़ा दिया, और आपने क्या करा उसके साथ, बेवफाई, और इस बेवफाई का नतीजा यह है कि लोगों के दिलों में यह दहशत हो गई कि महिलाओं को पढ़ाना बड़ा खतरनाक है, आज वो कल एसडीएम बनेंगी, आईपीएस आईएएस बनेंगी, किसी और के साथ भग जाएंगी, किसे दुबे चुबे और दीक्षित के साथ, तो यह मानसिकता बना दी है दलितों और पिछड़े जो अपनी बहन बेटियों को वापिस बुला रहे हैं, उन्हें अपने पल रही है उन्हें। हाँ सर की कोचिंग से 93 पति जो थे अपनी पत्नियों को लेकर भाग गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनके दहशत, मैंने कहा ना, ये जो घर तोड़ो जिहाद जो मचा रखा है कुछ चंद जातिवादी गुंडों ने, इस पर कब संज्ञान में लेगी सरकार, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, समझे नहीं, इस पर बहुत जरूरी है। और ये जो ज्योति मौर्य जो है, इसने क्या कर रखा है, इनने तो महिलाओं के नाम पे कलंक है, अपने सतीत्व पे इन्होंने धब्बा लगा दिया, महिलाओं के अस्तित्व पे लांछन लगाया इस महिला ने, समझे, आगे जाके स्थिति दयनीय हो गई है। एक महिला कौन थी जिनको पढ़ाया, उनके पति ने कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फूले को,
और सावित्री बाई फूले ने पूरे देश पूरी दुनिया में महिलाओं को शिक्षित करने का एक अधिकार दिया और उन्हें सम्मान से और सर ऊंचा करके जीने का अधिकार दिया। और एक ये महिला है जिसके पति ने जिसे पढ़ाया उसने उसके परिवार को कलंकित कर दिया, उसके ऊपर लांछन लगा दिया, उसके परिवार की नाक नीची करा दी। ऐसी महिलाएं तो एक महिलाएं हो सकती है, सारी महिलाएं देश की नहीं हो सकती। खराब समझे, एक मछली खराब है इसको निकालो तालाब से बाहर, उसको दिमाग से निकालो, उसकी तब भी सरकार देखे कि इसके साथ क्या करना है, इसकी कार्रवाई करके। मगर और महिलाएं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो इतने बड़े होदे बैठ के ये इश्क मोहब्बत जो परिवार जो बसे बसाए है, वो भी शादीशुदा ये भी शादीशुदा, तो क्या इनका ही विशेषा दिखा रहा है इश्क करने का? और जो बच्चे आइस पाइस धप्पा करके जो बच्चे पैदा कर दिए उनका पप्पा कौन बनेगा ये बताओ मुझे, समझे नहीं? उनके बताओ, उनका विशेषा दिखाना नहीं है बच्चों का? बच्चों को क्या मालूम था कि वो तुम्हारे यहां पैदा होंगे, समझे नहीं? ऐसे माँ बाप मिलेंगे, ऐसे दुष्ट माँ बाप मिलेंगे, ऐसे लपका और छिनरे समझे, ऐसे माँ बाप मिलेंगे और ऐसे हफ्सी माँ बाप मिलेंगे। बाप कहाँ इसमें दिक्कत है, बाप तो बेचारा यार मैं कह रहा हूं उसका भी तो बाप कह रहा हूं ना, वो दूवे के भी तो बच्चे है, उसकी फैमिली उसकी बीवी ने भी तो कहा कि यहां से। और तो और जिसका जो अधिकारी है वो क्या नाम है जो उसको कहते हैं होमगार्ड, होमगार्ड के ऊपर ही जो सुप्रीमो है, तो होमगार्ड में जो महिला जो भर्ती होने आती थी उनका भी शोषण किया है, इसके खिलाफ मुकदमे लिखाए हैं महिलाओं ने, इसकी जांच होनी चाहिए। इस दुबे को तुरंत जितना जल्दी हो सके बर्खास्त और सस्पेंड किया जाए। और कोई भी, मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अपनी बहन बेटियों को बहुओं को खूब पढ़ाओ, समझे, घबराने की जरूरत नहीं है, समझे, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, जिसकी बुद्धि इसको भी किसी तरीके से इस दुबे ने गुमराह किया है और गुमराह होने भ्रमित किया है, तो इनका तो टारगेट है। मैं कह तो रहा हूं ये घर तोड़ो जिहादी लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं जो दूसरी जातियों से ईर्ष्या करते हैं, नीच समझते हैं, और कोई बढ़ जाए तो उसके अस्तित्व उसके सतत्व को भंग करते हैं। इनका आज से नहीं हजारों सालों का इतिहास है। आलोक दलित है इसीलिए उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया, बिल्कुल टारगेट किया, पिछड़ी जाति का है मौर्या है, टारगेट किया है उसको, उसके परिवार को उजाड़ा है, मानसिक रूप से आर्थिक रूप से सब तरीके से टूट गया वो ऐसी स्थिति में कहां उबर पाएगा वो, जिस पत्नी के लिए सब कुछ किया, जिन बच्चों के लिए सब कुछ करा, वो पत्नी धोखा दे गई, वो बेवफा निकली, तो क्या करा जाएगा? काय की पढ़ी लिखी है जो अपने परिवार अपने बच्चों और अपने पति के साथ न्याय नहीं कर पा रही, जो अपने पति अपनी बीवी अपने बच्चों की नहीं हुई है तो किसकी होगी वो? ये जो सभी मैं कह रहा हूं सभी भाइयों से कि अपनी बहुओं को बेटियों को खूब पढ़ाओ, सब एक जैसी नहीं होती, और कोई भी अपनी बहन बेटियों को वापस जहां पढ़ने गई है उन्हें खूब पढ़ाओ, कभी वापस मत बुलाओ, और वो आपका जरूर नाम रोशन करेंगी, सब एक जैसी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया नंदा भाई। नंदा भाई की बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट जरूर करिए, कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जन जन तक। बहुजन का मिशन कामयाब होना चाहिए। जय भारत, जय संविधान।